Assalamu alaikum students. Today our topic is Makia. I know without a question that an elephant can be grateful for relief given to it from pain and sickness. मैं बगैर किसी शक के ये जानता हूँ कि एक हाथी तकलीफ या बीमारी से निजात दिलाए जाने पर शुक्रगुजार हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आई रिमेंबर वन एलिफेंट माखिया. मुझे एक हथनी माखिया याद है. शी हैड फियरफुल लेजरेशन ऑन द बैरल ऑफ हर बैक फ्रॉम टाइगर क्लास. शेर के पंजों से इसकी पुश्त पर खौफनाक जख्म आ गए थे. एंड आई ट्रीटेड हर फॉर देम एवरी डे फॉर 3 वीक्स. और मैंने 3 हफ्तों तक हर रोज़ इनका इलाज किया. इन द अर्ली स्टेजेस शी सफर्ड ग्रेट पेन. इब्तदाई मराहिल में इसे बहुत तकलीफ सहना पड़ी. बट अल्दो शी मेड अ लॉट ऑफ अस. लेकिन अगरचे इसने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, रादर एज एन 8 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड माइट हैव डन, जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा करता है, शी ऑलवेज गेव अवे बिकॉज आई वॉज डिटर्मेंट. वो हमेशा हथियार डाल देती क्योंकि मेरा इरादा पक्का था. एंड शी लेट मी गो ऑन. और वो मुझे मेरा काम करने देती. व्हेन शी वॉज सफिशेंटली हील्ड, जब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, उसके जख्म मंदमिल हो चुके थे, आई सेंट हर बैक टू कैंप अंडर अ रिलायबल बर्मन. तो मैंने एक काबिल एतमाद बर्मी की निगरानी में ये हदायत के साथ, विद एन इंस्ट्रक्शन, इस हदायत के साथ, दैट शी वॉज टू बी गिवन लाइट ड्रेसिंग ऑफ लाई रिप्लेंट ऑन द वुंड, कि इसके ज़ख्मों पर मक्खियों को भगाने की दुआ की हल्की सी तह लगाई जाती रहे. नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. आई डिड नॉट सी हर अगेन फॉर 2 मंथ्स. मैंने इसे दोबारा 2 महीनों तक नहीं देखा. आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी एंड कैंप आउटसाइड माई टेंट. मैं कैंप में अपने खेमे के बाहर बैठा चाय पी रहा था. While 7 elephants were being washed in the creek nearby, ready for me to inspect them. जबकि मेरे मुआयने के लिए तैयार 7 हाथी करीबी नदी में नहलाए जा रहे थे. The last animal to come out of the creek and to return to camp to dry off before inspection was Makia. नदी से निकलने वाली आखिरी जानवर और मुआयने से पहले खुश्क होने के लिए कैंप में लौटने वाली माखिया थी. एज शी पास्ड मी, जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, अबाउट 50 यार्ड्स अवे विद हर राइडर ऑन फुट फॉलोइंग हर एट हर हील. अपने महावत को पीछे लगाए तकरीबन 50 गज के फासले पर जब वो मेरे पास से गुजरी, I called out more in order to greet him. मैंने उसे सलाम करने के अंदाज़ में बुलाया. And show that, और ये दिखाया, I recognize her him, कि मैंने उसे पहचान लिया है. Then, because of any interest in the animal, जानवर में कोई अपना ताल्लुक ज़ाहिर किए बग़ैर, दिलचस्पी ज़ाहिर किए बग़ैर, मैंने महावत करने वाले को आवाज़ दी. Which I was anyhow going to inspect in less than an hour's time, जिसे मैंने 1 घंटे से भी कम अरसे में, वक्त में, जिसका मैंने मुआयना करना था. हाउ इज़ माखियास बैक, माखिया की पुश्त कैसी है. हर राइडर डिड नॉट रिप्लाई, उसके राइडर ने, महावत करने वाले ने जवाब नहीं दिया. एज ही हैड नॉट कॉट वट आई सेड, क्योंकि उसने सुना ही नहीं कि मैंने उसे क्या कहा. बट माखिया स्वैंग अराउंड at right angles to the direction in which she was going and came towards me. magar makhiya apne chalne ke rukh ke amoodi samt ghumi aur meri taraf aayi. she walked straight up to me where I was sitting. wo seedhi wahan aayi jahan main baitha hua tha. I patted her on the trunk, maine uski soont par pyar kiya, and gave her a banana off my table, aur apni mez se ek kela utha kar usko diya. and then, aur phir without any word of command, aur baghair kisi hukm ke, she dropped into the sitting position, wo baithne ki halat mein gir gayi.
एंड लैंड राइट ओवर टूवर्ड्स मी और अपनी कमर मेरी तरफ झुका दी सो एज टू शो मी ऐसे कि जैसे मुझे दिखा रही हो हर बैक अपनी कमर हैविंग पैटेड हर मैंने उसे प्यार किया एंड टोल्ड हर टू टप गेट अप कि मैंने उसको प्यार किया और उसको उठने का इशारा किया एंड अवे शी वेंट और वो चली गई लिविंग मी विद अ अग्रीएबल कॉन्विक्शन दैट शी हैड कम टू से थैंक यू वो चल दी मुझे इस खुशगवार यकीन के साथ छोड़ के कि वो आपका शुक्रिया कहने के लिए आई थी देन आई बिगेन टू सस्पेक्ट दैट परहैप्स ऑन हियरिंग माई वॉइस फिर मुझे शुबा होने लगा कि शायद मेरी आवाज़ सुनकर जिससे वो मानूस थी विद विच शी हैड बिकम फेमिलियर जिससे वो मानूस हो चुकी थी शी हैड डन इट इसलिए उसने ऐसा किया मेयरली फ्रॉम हैबिट इसने महज आदत के तहत किया था लेटर ऑन व्हेन आई इंस्पेक्टेड हर आई गॉट अ सरप्राइज मगर बाद में जब मैंने उसका मुआयना किया तो मुझे हैरत का सामना करना पड़ा शी वॉज द लास्ट इन द रो एंड आई वेंट ओवर हर बैक वेरी केयरफुली नीडिंग द वुंड्स विद माई हैंड्स एंड आई फाउंड वन लिटल होल विच स्टिल सुपरेटेड वो कतार में आखिरी थी और मैंने बड़ी एहतियात के साथ जख्मों को दबाते हुए उसकी पुश्त का मुआयना किया और मुझे एक छोटा सा सुराख मिला जिसमें अभी भी पीप रस रही थी देयर वॉज अ ग्रेट टेंडरनेस अलॉन्ग अ लाइन 9 inches लॉन्ग वेयर द वुंड हैड हील्ड ओवर एक 9 inch लंबी लकीर जहाँ जख्म मदमिल हो चुका था के साथ वहाँ का हिस्सा नहायत कच्चा था इट वॉज अनडाउटेडली इन्फेक्टेड ये यकीनन जरासीम से अलूदा हो चुका था माखिया लेट मी ओपन इट अप टू इट्स फुल लेंथ देयर एंड देन अल्दो माई डूइंग सो ऑब्वियसली गिव हर ग्रेट पेन माखिया ने इसी जगह और इसी वक्त मुझे इसे खोलने की इजाज़त दी अगरचे मेरा ऐसा करने से यकीनन इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई बट शी वॉज अ गुड पेशेंट लेकिन वो एक अच्छी मरीज़ा थी This made me think over the incident again. इससे मैं इस वाक्य के मुतालिक दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया I can never be quiet. Sure that she came and showed me her back in order to tell me that it was still painful. मैं कभी पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि इसने आके मुझे अपनी कमर दिखाई थी कि इसमें अभी भी बहुत दर्द होती है बट आई एम श्योर लेकिन मुझे यकीन है शी लाइक मी वो मुझे पसंद करती थी ट्रस्टेड मी एतमाद करती थी मुझ पर एंड वॉज ग्रेटफुल और वो मेरी शुक्रगुजार थी एंड दैट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स और ये कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे थैंक यू